अच्छा हाँ, तो 20 वोल्ट की बैटरी है और जो डेटा दिया हुआ है वो यहाँ पर ये है कि ये एक 20 वोल्ट की बैटरी है। ये एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। साथ ही साथ यहां बीच में एक तार है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है। अभी हम कभी रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे और इस सर्किट को जब शुरू शुरू में कैपेसिटर्स न्यूट्रल थे उसके बाद इसको ऑन किया गया और स्टडी स्टेट अक्वायर हो चुकी है। इसका मतलब बढ़िया, सब पे कुछ कुछ चार्ज है शुरू शुरू में। वैसे तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए है कि ये बताइए कि टोटल चार्ज कितना निकला इसमें बैटरी में से, टोटल चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर शुरू शुरू में, अभी ये स्विच ऑफ ही है ठीक है, तो ये 6 और 3 दो ठीक है सीरीज में, और ये 6 और 3 2 और 2 4 और Q इक्वल टू CV। तो जैसे लेगा Q इक्वल टू CV और C की वैल्यू कितनी है 4 और V की कितनी है V है 20, तो ये हो गया 80 माइक्रो कूलम्स। तो यहाँ से बेसिकली 80 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से निकला और वो यहाँ गया और 40-40 बढ़ गया क्योंकि ये वाली पूरी ब्रांच का 2 है और इस वाली पूरी ब्रांच का भी 2 ही माइक्रोफेरेड है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ शुरू शुरू में अगर यहाँ पर देखे जा रहे हो चार्जेस क्या थे, यहाँ था +40 -40, यहाँ पर +40 -40, सबको समझ में आ रहा है क्या? फिर यहाँ पे आया +40 या -40, फिर +40 और -40। काश यही सवाल होता पर ऑब्वियसली नहीं है यार, क्योंकि ये नहीं ठीक है, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली तो वो तो कई कदम आगे बढ़ेंगे, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक लेवल दिखा, एक रास्ता बता रहा हूँ कि इस पे ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे सवाल ये हो गया, मेरे से तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल सीधे आ जाए। अब ये बताओ कि जब इस स्विच को ऑन करेंगे जब भी, तो इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज गुजरेगा ठीक है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड, आफ्टर इट इज क्लोज्ड एक्चुअली। तो आफ्टर इट इज क्लोज्ड मतलब इनफिनिट टाइम, तो दोबारा जब स्टडी स्टेट एक्वायर होगी तब तक टोटल चार्ज कितना गुजर जाएगा स्विच के थ्रू? अब क्या करेंगे? तुक्के तुम पहले मार लो, सब जीरो से जीरो। क्यों? देख सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं है बीच में अंदर, यहाँ कैपेसिटर होना चाहिए था ठीक है, और होता भी फिर वो अनबैलेंस होता ठीक है, फिर उसके अंदर कोई शॉर्टकट चलता नहीं है, अनबैलेंस बीच टू बीच कैपेसिटर के इसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर उसमें वही नोडल एनालिसिस लगाना पड़ता है। नहीं मैं बता देता हूँ, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया मतलब जब आपने इसको ट्राई करोगे, तो बेसिकली अब देखो करना तो ये है कि मुझे तो ये बताओ फाइनल चार्जेस क्या क्या हैं। अगर इसको ऑन कर दिया तो बेसिकली ये अभी तक क्या था, ये दोनों सीरीज वो दोनों सीरीज वो दोनों मिलके पैरेलल, अब क्या है ये दोनों पैरेलल और दोनों मिलके सीरीज हो गए स्विच ऑन करने के बाद। तो यानी कि इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम दोबारा बनाऊं यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा कि एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, ये दोनों मिले, ये ऐसा बना, ये सिस्टम देखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर आ गया अपनी वही 20 वोल्ट की बैटरी, ये 3, ये 6, ये 6, ये 3 ठीक है। अब बताओ टोटल चार्ज कितना निकला कैपेसिटर, अगर ये सिचुएशन होती तो कितना निकलता टोटल चार्ज बैटरी में से? तो ये 6 और 3 9 ठीक है, 6 और 3 9 और ये भी 6 और 3 9 9 और 9 4.5 तो 4.5 × 20 हाँ 90 आता, टोटल 90 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से जाता 4.5 × 20 और 4.5 × 20 किया तो ये चार्ज यहाँ से क्या 4.5, ये कितना क्या 90 का, तो इसके पैसे पे कितना चार्ज है?
अब वो जब 90 है वो यहाँ पे कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये 90 यहाँ पर गया तो इसका मतलब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस 30 जो चार्ज आएगा फाइनल वो यहाँ पे हो गया प्लस 30, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस 60 और यहाँ हो गया माइनस 60 और फिर वो यहाँ पे फिर से 90 फिर यहाँ से गुजरा इस वाली ब्रांच पे प्लस 60 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30 समझ में आ रहा है क्या? और 90 घूम के वापस आ गया। ठीक है अब कंपेयर करते हैं अपन, अब बनाते हैं जेल, क्योंकि अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सी ब्रांच से कितना चार्ज गया है तो हम लोग ये देखते हैं कि चलो भाई जेल बनाते हैं, मुझे यहाँ से पता करना है इस वाली ब्रांच से कितना गया है। तो हमें बाउंड्री खींचते हैं कि चलो एक लाइन तो यहाँ हो गई, ये जेल का दरवाजा है, और एक लाइन यहाँ से निकाली क्योंकि इसके थ्रू कोई चार्ज आएगा नहीं, फिर यहाँ से गए फिर और एक दीवार यहाँ खींच दी जेल की, और यहाँ इन चारों दीवारों में से सॉरी इन तीन दीवार में से कहीं से भी चार्ज इधर से उधर कूद नहीं सकता, और बस इस दीवार के थ्रू इस स्विच के थ्रू जा सकता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जेल के अंदर जो नेट चार्ज है वो जो भी चेंज आएगा नेट चार्ज के अंदर वो इस स्विच के थ्रू ही आएगा। अब बात ये है कि इस वाले इस पे नेट चार्ज पहले क्या था? जीरो प्लस 40 एंड माइनस 40, ये लेफ्ट वाले कैपेसिटर की राइट वाली बैटरी सॉरी लेफ्ट वाले कैपेसिटर की राइट वाली प्लेट और राइट वाले कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट वो दोनों आपस में वही है जो इसके अंदर कंटेंड है। ठीक है तो इसका चार्ज पहले माइनस 40 इसका प्लस 40 टोटल चार्ज क्या पहले क्या था? जीरो। लेकिन अब यहां पे देखा जाए तो ये वाली प्लेट तो एक्चुअली ये वाली प्लेट है, इसका चार्ज कितना है? माइनस 30, और ये वाली प्लेट एक्चुअली ये वाली प्लेट है, इसका चार्ज कितना है? प्लस 60। यानी कि अब नया पता चला है, ताजा तरीन पता चला है कि जेल के अंदर टोटल चार्ज कितना है? प्लस 60 एंड माइनस 30, और इसका मतलब वो है प्लस 30। और अगर वो है प्लस 30 इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जेल के अंदर पहले चार्ज जीरो था और अब जेल के अंदर फाइनली चार्ज प्लस 30 है, और इसका मतलब कैपेसिटर के थ्रू जो चार्ज अंदर गया है सॉरी के थ्रू जो चार्ज गया है वो है कितना? 30 माइक्रो कूलम्स, एंड दैट इज द आंसर। समझ में आई वाली बात? हाँ नीचे भी तो एक जेल बनेगा। हाँ नीचे भी जेल बन सकते हो, उसे निकाल लो करके देखो। हाँ वही आएगा, कहीं भी लगा सकते हो, बस जेल के जेल की जो ये दीवारें हैं वो किसी भी ऐसी चीज के थ्रू कट मत करना जहां से चार्ज फ्लो कर सकता हो। तो जेल किस बात की? चौराहा हो गया फिर तो, कोई भी आ रहा कोई भी जा रहा है, ठीक है ना? तो वो यहां से जा रहा है, यहां गया यहां गया, और जिस एक जगह से तुम चाहते हो चार्ज निकालना बस उस जगह से उसके एक दीवार बना दो, मतलब ये बेसिकली जेल का दरवाजा हो गया। अब जेल के अंदर जो टोटल चार्ज है वो तो कंसर्न रहना ही है, और अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो वो कहाँ से गया? दरवाजे से गया। जितनी कम ओपनिंग रखोगे, एक ही ओपनिंग रखोगे तभी तो समझ पाओगे कौन कौन कहाँ कौन गया कौन नहीं गया, तीन चार ओपनिंग है तो फिर तो पता नहीं कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ बोलो सर, ये या इसको स्विच जब बंद करेंगे हाँ तो ऐसे तो मतलब सोच ही नहीं पाएंगे। क्या नहीं सोच पाएंगे? तुम सोच नहीं पाओगे इसलिए तो बनाया है। तो इससे बढ़िया सर वहाँ पे पोटेंशियल एक्स लेके वो निकालना थे, वो तुम्हारी इच्छा है, यही ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा। अगर तुम ये कहते हो कि इसको ऑन कर दिया फिर इसको जीरो, इसका पोटेंशियल तो जीरो मान लिया, इसका एक्स मान लिया, फिर सॉरी ये जीरो हो गया तो 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ का पोटेंशियल एक्स और यहाँ का पोटेंशियल एक्स मान के फिर तुम चार्ज फ्लो निकालना चाहते हो, बस तुम गलती मत कर देना, बाकी सब ठीक है। क्या 60 आ रहा है? कौन सा चार्ज टोटल वो जो फ्लो कर रहा है इसमें से जो फ्लो कर रहा है वो कैसे निकाल लिया तुमने? कहाँ यहाँ का पोटेंशियल एक्स माना, ठीक है फिर यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स हो गया, हाँ फिर एक्स चलो निकल जाएगा, एक्स 10 आ जाएगा, और बोलो हाँ मन कर रहा है हमारा। अरे जितनी कैपेसिटी उसके पहले उतनी कैपेसिटी उसके बाद है, तो जो ड्रॉप यहाँ से आता आएगा वही ड्रॉप यहाँ से आता आएगा, टोटल 20 था तो ये 10 होगा। बोलो बोलो वेरी गुड। चलो देखो एनीवेज निकालोगे तो तुम कुछ भी करके ये वाले चार्जेस ही अपने लगाने से तुम्हें जेल ही पड़ेगी। तुम चाहे इसको इस स्विच में इसको ऐसे कन्वर्ट करो, ऐसे इस तरीके से रीड्रॉ करो या ना करो, तुम बेसिकली निकालना क्या चाह रहे हो?
निकाला तो अपने को यही है ना कि सभी ब्लेड पर सभी ब्लेड पे चार्ज कितना है, पहले जीरो था, अब दोनों पे मिला के अगर प्लस 50 हो गया तो इसका मतलब 50 अंदर यहाँ से आया है, अगर माइनस 20 हो गया इसका मतलब 20 बाहर चला गया, प्लस 20 बाहर चला गया, माइनस 20 अंदर आ गया, करना तो वही पड़ेगा, निकालना तो अपने को बाद में, इन दोनों ब्लेड पे चार्ज ही है ना, तो वो चार्ज जैसे मर्जी हो वैसे। मैंने मुझे ये लग रहा है भाई अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों सीरीज में आ गए ना, सॉरी पैरेलल में आ गए, और ये दोनों ही पैरेलल में आ गए, और वो दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में आ गए, तो उसको मैंने ऐसे बना लिया, आसान पड़ता है। और मैं और तुम सोच पाओ, अब ये बहुत बहुत ही उम्दा सवाल है सर, आपने सोच लिया हमें क्या पता, अरे तुम सोच पाओ इसलिए तो बताया है, फिर तो दे देता दे ना सवाल करने के लिए सीधे। हाँ हाँ, तो माइनस 30 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, माइनस ही तो आएगा, सही बात है, अच्छा हुआ माइनस 30 आया, इसका मतलब क्या है कि प्लस 30 बाहर ऊपर जा रहा है, तो वही तो आ रहा है, प्लस 30 ऊपर ही तो जा रहा है, समझ में आ रही बात। हाँ अच्छा, समझ में आ गई बात, ये लिख लो उसको, और लिख लिया तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या कौन रे। अब इसके बाद जो हम अगली चीज करते हैं वो काफी फैसिनेटिंग सी है, बढ़िया चीज है, देखो ध्यान से, ये बिठा दूं, देखो अब एक है ना, एक चीज है जो अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं सवाल आते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर था, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी सी, और उसको उसको या सी वन, और उसको ऑलरेडी चार्ज कर रखा था वी वन से, ठीक है, और जिसमें जो पोलैरिटीज थी इसकी पॉजिटिव उसकी नेगेटिव थी। फिर एक और कैपेसिटर यहाँ पर नीचे था, वो था सी टू, और उसकी पोलैरिटी थी वी टू, फिर ये प्लस और माइनस, ऑब्वियसली पहले से पोलैरिटी दे रखी है, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का फुल मूड बना रखा है पब्लिक ने, ठीक है। अब पहले तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो कौन से इस पर कितना चार्ज है, तो मैं कह सकते भाई इस पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर होगा प्लस सी वन वी वन, यहाँ होगा माइनस सी वन वी वन, फिर यहाँ पे होगा प्लस सी टू वी टू, और यहाँ होगा माइनस सी टू वी टू, कोई दिक्कत आ रहा नहीं परेशानी तो बताओ। अच्छा अगर इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब तक पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। चलो फिर इसको कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब कुछ कुछ तो होगा, अब क्या होगा, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते मान लो क्यू चार्ज बह जाएगा, और वो जो क्यू चार्ज बह के कहाँ जाएगा, अब मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, ऐसे बहेगा ऐसे बहेगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेट अस से क्यू इधर बह गया, तो उसी खुशी मुझे पता चला कि ये वाला जो चार्ज है ये तो हो गया सी वन वी वन प्लस क्यू, और ये हो गया माइनस सी वन वी वन माइनस क्यू, फिर ये चार्ज यहाँ से आया माइनस सी टू वी टू प्लस क्यू, और ये हो गया सी टू वी टू माइनस क्यू, कोई हैरानी परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। फिर मैंने कहा क्योंकि इसमें क्या, अब क्या चलो करेंट कर दिया, इसके बाद आपसे बातें पूछते रहेंगे, बताओ कितना हीट लॉस हुआ, बताओ दोनों कैपेसिटर से फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कितना कितना था, वैसे दोनों का सेम ही होगा फाइनली, क्योंकि दोनों आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही नीचे वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। वो पूछ सकते हैं बताओ फाइनल चार्जेस क्या क्या हैं, और फाइनल एनर्जीज क्या क्या हैं, इनिशियल एनर्जीज क्या क्या थी, घटाओगे तो फिर हीट लॉस ही मिल जाएगा, इस तरीके की सारी बातें वो पूछ लेते हैं। अब अगर आप ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पर, तो चलो एक काम करते हैं, करते ही हैं यार, क्यों निकालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ जीरो मान लेते हैं और ऐसे घूमते हैं, तो एक बार क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आए तो प्लस प्लस क्या V क्या होता है क्यू बाई सी, क्यू क्या होता है पॉसिबल का चार्ज, हमने पॉसिबल किसको माना है इसको, उसका चार्ज क्या हो जाएगा सी टू वी टू माइनस क्यू अपॉन सी टू, ठीक है क्या। फिर यहां से वहां गए, चलो अभी भी इसी को पॉसिबल इसको नेगेटिव मान लेते, लिखे जाइए पहले दूसरी बार, तो माइनस क्या क्यू बाई सी, क्यू क्या है पॉसिबल का चार्ज, वो क्या है सी वन वी वन प्लस क्यू अपॉन सी वन इक्वल टू जीरो अगेन लो ब्रैकेट, ठीक है।
चलो सॉल्व करते हैं और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर हो जाएगा C1C2V2 - C1Q - C1C2V1 - C2Q इक्वल टू जीरो। देखना जरा सब सही लिखा है क्या? तो ये आ गया C1C2V2 - C1C2V1 / C1+C2, ये है Q। ठीक है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? अच्छा, ये तो आया चार्ज। अभी मेरा मेजर टारगेट शुरू शुरू में है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, लेट से कि भाई क्योंकि दोनों का इसके अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मुझे दोनों का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वो V1 से, वो पहले V1 से चार्ज होकर आया था कहीं और से, ये V2 से चार्ज होकर आया था कहीं और से, और दोनों मिल गए आपस में। अब देखें क्या होता है। तो अब क्या हुआ, Q निकल गया। चलो Q निकल गया तो एक काम करते हैं, इसका चार्ज निकालते हैं। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इसका चार्ज हो जाएगा C1V1 + Q। क्यू हे भगवान, अरे यार इतने गलत पंगे ले लिया मैंने। C1C2V2 - C1C2V1 / C1+C2, जय बजरंग बली। ये C1 + C2 यहाँ आ गया और ये हो गया C1 square V1 + C1C2V1 + C1C2V2 - C1C2V1। थोड़ी सी खुशी मिली। और ये क्या है? ये तो इसका चार्ज है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज अपॉन इसका C। तो यहां C1 से और डिवाइड कर दूं एक, ये आया V किसका? इसका। और एक्चुअली यही भी तो इसका भी है। हम ये भी कर सकते थे कि क्यों निकाल लिया, उससे हम इसका चार्ज निकाल लेते C2V2 - Q और फिर डैश अपॉन C2 करते तो भी यही आना चाहिए था। आता भी है, तुम्हारा मन हो तो करके देख लेना। नहीं सर, कितने नालायक हैं, नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे। जो करना है आप करो। अच्छा C1 कटा और V की वैल्यू देखो कितनी खूबसूरत, यहाँ पे देखो ध्यान से C1V1 + C2V2 / C1+C2। ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या एक्सप्रेशन? बोला ऐसा लग रहा है मुंह पे बैठा हुआ C1V1 + C2V2 / C1+C2। ये कहीं सुना हुआ है यार? कहाँ सुना है? सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कैलकुलेशन जब होती है, दो बॉडी अलग अलग आ रही है, एक V1 वेलोसिटी से, एक V2 वेलोसिटी से, एक का मास M1, एक का मास M2 है और दोनों आपस में चिपक गई, तो जस्ट आफ्टर टकराने के जस्ट बाद में दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है M1 = M2 / V2 / M2 / V2। समझ में आ रहा है क्या? और अब हम आते हैं बहुत ही अचरज भरी चीज पे, और वो ये है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्विच ऑन करना और कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन आर एक्चुअली द सेम थिंग। क्या ये इसको ऑन करना, इग्नोर को कनेक्ट करना और कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक इक्वल टू, कहां से कहां जोड़ रहे हो सर? तो करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, क्या रहा समझ में नहीं आ रहा। पर एक्चुअली ये दोनों एनालॉगस होते हैं। ठीक है, फिजिक्स जो है वो बुरी बुरी एनालॉजी से बेस्ड है, कई सारी एनालॉजी पाई जाती हैं। इन्हीं एनालॉजी के चक्कर में हमने पूरा ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समेट दिया। ठीक है, रोटेशन में बहुत सारा जो था वो ट्रांसलेटरी मोशन जो था, भाई वी की जगह ओमेगा आ गया और क्या, ए की जगह अल्फा आ गया, काम चल रहा है बढ़िया। पर यहाँ पर तो हम बहुत ही आगे पहुँच गए, यहाँ तो मतलब हमने सारी सीमाएँ तोड़ दी। सर कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अच्छा, हैव इट अकर्ड टू यू एट एनी इंस्टेंट दैट वाई इज EMF कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं? एनालॉजी के हिसाब से, अब जो मैं एनालॉजी तुमको बताने वाला हूं उसी के हिसाब से, जब उसी स्ट्रक्चर को जब बिल्ड करते जाते हैं तो एक्चुअली EMF जो होता है, अरे अभी तो अपन इसमें SSM भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसको हम प्यार से LC ऑसिलेशन कहते हैं। वो और कुछ नहीं, SSM है। SSM के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके ऊपर फेजर डायग्राम वगैरह सब आता है उसके, सब बढ़िया। ठीक है, AC क्या है? ऑसिलेशन है। खैर एनीवेज, तब बाद में आगे बढ़ते हैं, हाल फिलहाल तो यहाँ पे एक एनालॉजी देखते हैं अपन लोग, वो ये है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे वहाँ पे अपन ने कई सारी चीज़ें सॉल्व करी थी, कई सारे शॉर्टकट निकाले थे, वो मैं यहाँ यूज़ करने के मूड में हूँ। या हर बार निकालेगा इतना सारा, इतनी कैलकुलेशन एक बार खरी कम है क्या यार, जो जीवन में दूसरी बार भी करनी है?
लेट्स कम टू सम कंक्लूजन कि हाँ भाई ठीक है आगे से हमें ये करना है, ठीक है सुनो ध्यान से। अगर मान लो कि एक बॉडी यहां पर है उसका मास है m1 और एक और बॉडी है उसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी पहले थी u1 और इसकी वेलोसिटी थी u2 और दोनों टकरा गए, टकरा के चिपक गए, चलो v1 v2 कह देता हूं, टकराई गए ना, तो ये v1 और इसकी वेलोसिटी थी v2 और दोनों टकरा के चिपक गए, फाइनल वेलोसिटी पूछी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम लोग, हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 is equal to m1 plus m2 into v, तो फाइनल वेलोसिटी दिस अपॉन m1 plus m2 आ जाएगी, यही वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो अच्छी बात तो ये है कि ये भी v, वो भी v, वो बात अलग है, ये वोल्टेज है वो वेलोसिटी है, ठीक है ज़्यादा जोर से मत आ जाना, ठीक है। और c जो है वो यहाँ पे मास की तरह बिहेव कर रहा है, हालांकि आगे जो एनालॉजी आती है उसके अंदर 1/c स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करता है, एनीवे बाद में करेंगे उस बात को। अभी हाल फिलहाल इस एनालॉजी में सी मास की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और वी वेलोसिटी वोल्टेज जो है वो वेलोसिटी की तरह बिहेव कर रही है, और बाकी तो खैर यहाँ पे हमने क्या कंजर्व किया हुआ है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है mv, और यहाँ क्या मोमेंटम क्या कंजर्व कर रहे हैं, यहाँ कंजर्व कर रहे हैं इस तरीके से देखा जाए तो सी वी क्या होता है चार्ज, सही बात है चार्ज तो कंजर्वटी है ना, जिस तरह यहाँ से निकला होता है घुस गया चार्ज कंजर्व उड़ के ना एक्स्ट्रा कहीं मिला ना कहीं गया, तो यहां वहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है, यहां पे क्या कंजर्व होता है चार्ज। अच्छा अब खास बात क्या है, अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि भैया बताओ, अच्छा एक और बात, इसकी एनर्जी क्या थी पहले कैपेसिटर की, हाफ सीवी स्क्वायर, और इसकी क्या थी हाफ एमवी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वो थी हाफ सीवी स्क्वायर, ये थी हाफ एमवी स्क्वायर, एनर्जी भी आ गई। और अब मैं आ रहा हूं जिस बात पे जिसके लिए मैं सवाल करा रहा था, ये या इस बात को मैंने उठाया है, और वो ये है कि ये बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको ज्वाइन करते टाइम कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, भाई भले मैं मानता हूं मैंने यहां पर ऐसे दिखाया नहीं पर होगा तो सही होगा। और अगर ऐसे नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाएगी एनर्जी, कहीं तो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर एनर्जी कहां जाएगी, तो एनर्जी कहां जाएगी बताओ, कैसे कहां जाएगी एनर्जी, भाई एनर्जी जाएगी मतलब कैसे निकालेंगे, हीट लॉस में जाएगी, पर कैसे निकालेंगे कि इसकी इनिशियल एनर्जी निकाली, इसकी इनिशियल एनर्जी निकाली वो ऐड करके रख दी, फिर इसकी फाइनल निकाली वो ऐड करके रख दी और दोनों घटा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है, कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन में लॉस क्या होता है, याद आ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो इंटैक्ट ही रहता है क्योंकि बीसीएम तो यहाँ नहीं रहा, वो तो सेम ही रहेगा, और इसका मतलब इतनी एनर्जी गायब हो जाती है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बाद में जीरो हो गई, यानी कि व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ म्यू यू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिख दो उसको, म्यू क्या होता है m1 वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, इसी चीज को अगर मैं यहां पे कन्वर्ट करके लाता हूं तो वो हो जाता है हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और यही होती है इसकी लॉस। अगर तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लेना एक बार, ठीक है, कि इसकी इनिशियल एनर्जी निकाली हाफ c1 v1 स्क्वायर, फिर इसकी इनिशियल एनर्जी निकाली हाफ c2 v2 स्क्वायर, हो गई इनिशियल एनर्जी माइनस हाफ, अब फाइनल भी तो दोनों का सेम ही है, ये वाला गंदा सा, तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअली ये जो चीज आई है वो और कहां से आती है, वो आती है हाफ हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस हाफ c1 प्लस c2 इंटू ये वाला v स्क्वायर, वैसे वी ऊपर से स्क्वायर, पर कोई बात नहीं भगवान का नाम लेके सॉल्व कर देना, जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ठीक है पर्सनली निकाला हुआ है टेंशन मत लो, आता है कई सालों से आ रहा है, इस बार भी आएगा, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा अगर तुम एक बार खुद से हाथ से करके देख लो, तो उससे क्या है कि जो तुम्हारी रिटेंटिव पावर है वो बढ़ जाती है, तुम्हें याद रहेगा कि हाँ ये होता है, एक फील भी बेटर आएगी प्लस थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना, तो एक बार करके देख लेना कि वो वी को यहाँ पे डाल के ये वाली एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर आगे से हर बार जब भी कोई कैपेसिटर कहीं जोड़ा जाएगा तो इस तरीके से आप हमें जोड़ दिया, अब पता चला मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था तो ठीक है v2 जीरो, क्या क्या हुआ, एक खड़े हुए बॉडी पे आगे दूसरी बॉडी जाके चिपक गई और क्या, ऐसे वाला तो बहुत किया अपन ने, वो ब्लॉक के ऊपर कितनी गोलियां मारी अपन ने पकड़ पकड़ के,
मारी कि नहीं मारी है को ऊपर से नीचे से, लेकिन अभी अपन सिर्फ हेड ऑन कोलिजन की बातें कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, हाँ जी, या V2 को 0 डाल दो उसी में, तो वो कोई खास बात नहीं। और एक बात ध्यान रखना बस, वो ये इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी। जब प्लस को प्लस से जोड़ते हैं और माइनस को माइनस से जोड़ते हैं तो उस केस में ही ये होता है कि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी। अब मुझे बताओ, अगर ये प्लस ये माइनस है और ये माइनस ये प्लस होता तो बेसिकली दोनों बॉडी ऐसे आ रही होती, तो उस केस में जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होती, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता कि रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 का स्क्वायर बन जाती। समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हीट लॉस्ट, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ये जेई में कई बार आ चुका है। ये हीट लॉस कितना है, हीट लॉस कितना है, पीछे पढ़ाते हीट लॉस कितना है, हीट लॉस कितना है, ले आज के बाद ये रख ले और दोबारा नहीं पूछना। ठीक है, या फिर आप चाहो, अच्छा लेकिन जिसमें फिर दिक्कत देखो यही है, ऐसा नहीं कि अपन इसको याद कर लेंगे और हो जाएगा, क्योंकि कभी मान लो 3 का पैसा जोड़ दिया तो क्या करोगे, उसका तो फॉर्मूला ही नहीं पता हमको, तो कुछ नहीं, फिर नहीं कैसा कुछ नहीं, फिर चुपचाप क्यू चार्ज मानो और सॉल्व करो। पर एनीवेज वो एक्चुअली लंबा बहुत हो जाता है, इसलिए मेंस में आने की पॉसिबिलिटी उसी कम है। ठीक है, और ये तो खैर बाकी अगर एनर्जी पूछे तो अपन खर्चे यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फिर वो अपने पे उतर आया, अच्छा बताया इस पे फाइनली कितना चार्ज था, इस पे कितना चार्ज था, इसकी फाइनल एनर्जी बता दो, उसकी इनिशियल एनर्जी बता दो, ऐसे ऑप्शन आ गए, तब तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई वाली बात? तो आज हमने पढ़ा एक बार फिर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, चलो इतना बहुत है आज के लिए आपका।